सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार था नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एजाइल स्क्रम और कैनबैन के बारे में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा और इवन टूल्स भी यूज करना बताऊंगा कि कैसे हम अपने रेक्टर्स वगैरह या पोकर प्लानिंग वगैरह करते हैं, ताकि एजाइल में काम करने में आप जो कल्चर की बात करते हैं, जो माइंडसेट की बात करते हैं, वो आपका एकदम क्लियर हो। जो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो जो रोल्स होते हैं, जो जो हम एक्टिविटीज या सेरेमनीज को फॉलो करते हैं, वो आपको एकदम 100% क्लियर हो, ताकि आप एजाइल में काम करके ना ही खुद प्रोडक्टिव बन सकते हैं बल्कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्रोडक्टिव बन सकते हैं। और ना ही खुद आप प्रोडक्टिव बनेंगे एजाइल कल्चर और माइंडसेट को समझेंगे, बल्कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है एजाइल में काम करने के लिए, क्विक रिजल्ट, क्वालिटी रिजल्ट पाने के लिए, उसको भी आप समझेंगे कि हम कैसे अचीव करते हैं और किस तरीके से एजाइल ने आज पूरे वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डेफिनेट सी बात है कि सबसे पहले हम इसका कंपैरिजन वही ओल्डर मेथडोलॉजी वाटरफॉल से करेंगे एजाइल में, और हम ये समझेंगे कि एजाइल को लाने का मेन पर्पस क्या था। देखिए अगर बात करें आज के टाइम की, तो आप समझ ही सकते हैं कितनी तेज़ी में मार्केट नीड चेंज होती है। आप सेलफोन की भी अगर बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो हर दो दो महीने में, तीन तीन महीने में आपके नए नए मॉडल सेलफोन के आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, सब कोई अपने आप को उतने अच्छे से इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, आप अगर कंपैरिजन करेंगे अपने लास्ट 10 ईयर्स को भी, जिस तरीके से क्लाउड आया है, साइबर सिक्योरिटी आया है, मतलब टेक्नोलॉजी में इतने इंप्रूवमेंट हुए हैं कि आप अपने हर फील्ड में सारे चेंजेस देख सकते हैं। ठीक है, कोविड के बाद से तो आप देख ही सकते हैं पूरी दुनिया कितनी ज़्यादा डिजिटल है। लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट में कंपटीशन में अपने आप को आगे रखना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन ही सर्वाइव कर पाती है जो कि अपने कस्टमर्स, अपने यूजर्स, उनकी नीड को समझती है और उनके सबसे ज़्यादा आगे रखने में उनकी हेल्प करती है। ठीक है, तो अगर हम वाटरफॉल मेथोडोलॉजी बात करें, जैसे मान लीजिए अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में पीपल मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेट सी बात है कि आपको चाहिए। तो अगर हम आज के टाइम पे बात करें, जब से क्लाउड आया उसकी कई सर्विसेज आई हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज चीज़ें आप देख सकते हैं, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर बने बनाए मिल जाते हैं और आप उनका यूसेज डायरेक्टली करना स्टार्ट कर देते हैं। पर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के रूप में नहीं मिलती हैं, मतलब हमें वो डेवलप करनी पड़ती हैं। तो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढेंगे जो आपके लिए वो डेवलप करें, या अपने ही वहां पे आप आईटी स्ट्रीम डिपार्टमेंट ओपन करेंगे जिसमें आप उन डेवलपमेंट को करना चाहेंगे। अब डेवलपमेंट करने के पहले ऐसा नहीं होता है कि आपने बस कोई आर्किटेक्ट टेक्निकल लिया और उसके ऊपर आपने जो भी आपका कंपटीशन एस्टिमेशन करना था वो सब करके आपने बस टेक्नोलॉजीज को बाइन कर लिया और उसका सारा भी ऑन, जो भी क्लाउड सेटअप करना है वो सब चीज़ें करके, सर्वर वगैरह करके स्टार्टिंग कर देंगे डेवलपमेंट। देखिए करने का एक तरीका होगा, हमेशा हर कोई चीज़ करने के पहले एक प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम कोई भी ऑब्जेक्टिव है, कोई भी रिजल्ट है, उसको कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो कस्टमर है हमारा, हमें उससे प्रॉपर रिक्वायरमेंट समझना चाहिए। ठीक है, कस्टमर अगर कुछ प्रॉपर रिक्वायरमेंट हमें देता है, तो वो जो गैप एक होता है फाइनल एग्जीक्यूशन के होने के बाद, उसमें बहुत मिनिमम चांसेस होने चाहिए, एज इट इज ही होना चाहिए। ठीक है, वरना तो मतलब बनाने का कोई मतलब नहीं ना उस चीज को। और यही होता था वाटरफॉल में, एक बड़ा डिसएडवांटेज होता था कि आप रिक्वायरमेंट जब लेते थे यूजर से, ठीक है, तो मान लीजिए आज जनवरी है, जनवरी में आपने रिक्वायरमेंट लिया और वाटरफॉल के सारे स्टेप फॉलो करेंगे, जिसमें आप उसकी पहले डिज़ाइन करेंगे, पहले तो रिक्वायरमेंट ही आप क्लियर आउट करेंगे, उसमें एक दो महीना लगेगा, उसके बाद आप डिज़ाइन को उसका फाइनल करेंगे कि किस डिज़ाइन में इसका होना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। फिर आप कोडर्स लाएंगे, कोडर्स उसके इंप्लीमेंटेशन करेंगे, फिर आप टेस्टर लाएंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे और फिर उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करेंगे। मान लीजिए एंड ऑफ द ईयर दिसंबर में डिप्लॉयमेंट होता है, अब जनवरी में चीज़ स्टार्ट हुई मान लीजिए 4G रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, और दिसंबर में 5G रिक्वायरमेंट आ गई, तो 4G के बेसिस पे आपने कोई डेवलपमेंट किया है, और आज के टाइम पे 5G आ चुका है, जो कि आपका कंपटीटर ऑलरेडी रेडी है कि मैं 5G के साथ में गो अहेड कर जाऊंगा, क्योंकि वो एक साल पहले से काम कर रहा था, तो आप तो मार्केट में ऑलरेडी एकदम पीछे हो गए, है ना। तो जब इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब ये एज एन एग्जांपल दिया, लेकिन आप समझ सकते हैं मार्केट में कोई चीज एकदम से चेंज हुई और आपने एक साल बाद वो सोल्यूशन डिलीवर किया जिसकी नीड बहुत पहले थी, तो उसका कोई मतलब नहीं करने का, उतना पैसा भी वेस्टेज गया। ठीक है, तो ये वाटरफॉल का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। ठीक है, और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस करने में भी, उसको जब भी आपको कोई एनहेंसमेंट भेजना है, तो वो भी मतलब कम से कम 1-2 मंथ्स ले रहा है। ठीक है, तो क्विकली कोई भी डेवलपमेंट सोल्यूशन डिलीवर नहीं हो पाता था वाटरफॉल में। तो इसको ओवरकम करने के लिए बहुत से वे सोचे गए, उसमें ये सोचा गया कि जो हम ये रिक्वायरमेंट डिज़ाइन इंप्लीमेंटेशन इतने मंथ वाइज करते हैं, क्यों नहीं हम इसको वीकली बेसिस पे करने लग जाएं, ताकि थोड़ा बहुत जो पोर्शन हो, ठीक है, हम उसको डेवलप कर ले जाएंगे। तो मतलब बहुत से तरीके देखे गए और उनमें जो भी एक
क्विकली डिलीवर करना पड़ता है सोल्यूशन हमें, तो उसको ही एक तरीके से हम लोग कहने लग गए एजाइल। और एजाइल भी अचीव करने के लिए ऐसा नहीं है कि ये जो भी हम लोग वाटरफॉल के मेथड्स को इम्प्लीमेंटेशन करते थे, हम उसी को रिकर्सिव वे में या कुछ थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में कंप्लीट करने लग गए, इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि हम पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करें। जो थोड़ी सी एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, जो भी हमें क्लियर हो गया, उसको हम डेवलप करना स्टार्ट कर दें। आई मीन ये तो एक छोटा सा फॉर्म है जो हम लोग सोचते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, लेकिन एजाइल को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया गया। और एजाइल में सिर्फ एक मेथडलॉजी नहीं होती है। सबसे पहली बात है कि एजाइल तो एक माइंडसेट हो गया जो आप समझ गए कि हम क्विकली जो भी रिक्वायरमेंट नीड है हमारे क्लाइंट की उसको कैसे डिलीवर करेंगे, ठीक है, क्विकली जो भी मार्केट की नीड है उसी समय पर उसका सोल्यूशन कैसे रेडी करेंगे, ठीक है। और एजाइल का मतलब भी अगर आप देखेंगे डिक्शनरी में तो वो वही है, एबल टू मूव क्विकली एंड ईजिली, मतलब ईजी फॉर्म में आप उसकी रिक्वायरमेंट का डेवलपमेंट करते हैं और जल्द से जल्द करते हैं, वही चीज़ आपकी एजाइल है, ठीक है। तो एजाइल में देखिए, अगर हम एजाइल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं तो सबसे पहली बात एजाइल आप समझ गए, एजाइल में बहुत सी मेथडलॉजीज हैं, कोई एक मेथडलॉजी नहीं बनी हुई है एजाइल में। एजाइल एक अम्ब्रेला है, ठीक है, एक माइंडसेट, एक कल्चर है, ठीक है, जिसको फॉलो करने के लिए कई मेथडलॉजीज बनाई गई हैं, जिनको इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप यहाँ देखें कि अगर किसी एक टीम के लिए इम्प्लीमेंटेशन होता है जिसमें एक टीम को डिलीवरी करना पड़ता है सोल्यूशन वगैरह, तो हम स्क्रैम, कैनबैन, TDD, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी आप जो देख रहे हैं एजाइल अम्ब्रेला के अंदर है। जैसे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो आपको बनाया था जिसमें आपने देखा है, मतलब आप फिर से उसको देख सकते हैं, या नहीं देखा तो पहली बार आप उसको जाके देख सकते हैं, जिसमें एजाइल, डेवॉप, माइक्रो सर्विसेज, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है किसी सोल्यूशन को बेस्ट सोल्यूशन डिलीवर करने के लिए, वो आप देख के समझ सकते हैं कि डेवॉप्स कैसे एजाइल इंप्लीमेंटेशन के बाद आया हमारे डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम को कंबाइन करके और बहुत सी चीज़ें ऑटोमेट करके ताकि हम क्विकली सोल्यूशन डिलीवर कर पाए। वो माइंडसेट से आया, एजाइल के माइंडसेट से ही डेवॉप्स का हमारी बर्थ हुई एक तरीके से, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि एजाइल क्या है। और देखिए, आप मल्टीपल अगर टाइम जोन में आपकी टीम है, मान लीजिए कुछ USA में काम करते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, कुछ इंडिया में, वैसे टीम अगर आपका सोल्यूशन डिलीवर कर रही है तो वहाँ पे सेफ इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही है, मतलब कई मेथडलॉजीज हैं, वो डिपेंड करता है, आपको एजाइल कोच की हेल्प लेनी पड़ेगी कि मेरी जो भी टीम है वो मैं कैसे बिल्ड कर रहा हूँ, मेरी जो कस्टमर है वो कहाँ पे है, टीम कहाँ पे है, ऑफशोर ऑनशोर, कई चीज़ें हैं एजाइल कोच देखता है और क्या डिलीवर करना है वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपके लिए देता है कि आपके लिए कौन सी एजाइल की मेथडोलॉजी फॉलो करनी सही रहेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रम और कैनबैन ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मतलब आई वुड से इन परसेंटेज 80% डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशंस स्क्रम या कैनबैन यूज़ करती हैं। और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अगर यूज़ करते हैं, क्योंकि एडवांटेजेस देखिए दोनों के अपने अपने अलग हैं, इन दोनों को कंबाइंड करके भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन बहुत एडवांटेजेस लेती हैं, जिसको स्क्रम बैन कहा जाता है, ठीक है। तो स्क्रम बैन भी आजकल एक लेटेस्ट बहुत पॉपुलर है, और मल्टीपल टाइम जोन्स में अगर होता है तो वहाँ सेफ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। मल्टीपल टाइम जोन में अगर टीम होती है आपकी तो वहाँ पे सेफ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट और समझते हैं। देखिए एजाइल मैनिफेस्टो तो एक तरीके से, मतलब मैं आपको यहाँ पे देखिए उतना थ्योरेटिकल नहीं ले जाऊँगा, लेकिन सब चीज़ें प्रैक्टिकली आपको समझ में आनी चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से समझ में आना चाहिए। पर एजाइल मैनिफेस्टो से आप समझ सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर टीम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, टीम कल्चर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, आपके जो फीडबैक है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कि क्लाइंट को जो भी आप डेवलपर्स हैं या टेस्टर हैं वो सभी लोग यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए आपके मेन क्लाइंट के साथ में, ठीक है। और डेली उनको फर्दर अपडेट मिलती रहनी चाहिए, उनका फीडबैक लेते रहना चाहिए, ताकि कभी भी जब एंड टाइम पे अगर प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप चेंजेस करके अपने मार्केट के साथ में, कंपटीशन के साथ में आप आगे से आगे रहें, उसमें पीछे ना रहें, ठीक है। चेंजिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स करनी है वो सबके लिए एकदम से रेडी रहनी चाहिए, कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी पे लेनी नहीं लेनी है वो सबके प्रॉपर हेल्प होती रहे, और आपके जो लीड होंगे वहाँ पे वो सभी लोग आपको जो भी प्रॉपर ट्रेनिंग्स वगैरह देती हैं वो सारी चीज़ें करनी चाहिए सही से, डेली अपडेट रहना चाहिए हर एक एक काम का, वो सारी चीज़ें एक तरीके से एजाइल मैनिफेस्टो में है। इन जनरल जैसे पहले क्या होता था कि टीम लीडर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, वो सारी चीज़ें मैनेज करता था, यहाँ पे टीम को ही एक तरीके से डेवलप इस तरीके से किया जाता है कि वो सेल्फ ऑर्गेनाइज रहे, वो खुद ही समझें कि हमारी क्या प्रायोरिटी है, वो खुद ही डायरेक्टली कम्युनिकेशन करें आपकी क्लाइंट के साथ में, ठीक है।
और मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रेफर किया जाता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो। अगर आप किसी अलग जगह, दूर जगह, रिमोट लोकेशन पे हैं तो वहाँ पे वीडियो ऑन करके कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि बेटर वे में आपको उसको एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। और इन जनरल थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ये भी होती है, जैसे आपने फुल स्टैक या टेक्निकल एक्सीलेंसी वगैरह समझी होंगी एजाइल में काम करने के लिए, डेवऑप्स में काम करने के लिए। जैसे डेवऑप्स में डेवलपमेंट और ऑपरेशन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, टूल्स के थ्रू काफ़ी चीज़ें ऑटोमेशन की गई। इसी तरीके से जब आप डेवलपमेंट करते किसी टेक्नोलॉजी में तो फ्रंट एंड, बैक एंड, ये जो भी है, इन जनरल अलग अलग डेवलपर ना हो के या टेस्टर भी अलग अलग ना हो के उनका टेस्टिंग का ऑटोमेशन कर सकें, एक ही डेवलपर हो जो सारी चीज़ें कर सकें, तो वो थोड़ा सा और आई मीन प्रेफर्ड रहता है। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसको अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं है, और अगर नहीं कहीं पर रहा है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ बैलेंस बना के चलते हैं कि किस तरीके से उसको अचीव कर सकते हैं। पर फुल स्टैक डेवलपमेंट इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जो डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये चीज़ें भी हैं, और दूसरी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रस्ट रहता है यहाँ पे, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल हमेशा रहता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें ट्रस्ट रहता है, आप जो भी काम उसमें, आप जैसे पोकर प्लानिंग करेंगे तो आप जिस तरीके से, आपको कॉम्प्लेक्सिटी जो भी रहता है, आपको फ्रीडम रहेगा अपने मतलब थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए। और अगर आपके थॉट उसमें मैच नहीं कर रहे हैं तो वो टीम की जिम्मेदारी है ये कि वो आपको समझाएं कि उनकी थिंकिंग ऐसी क्यों है, ताकि सभी एक प्लेटफॉर्म में एक साथ एज एन यूनिटी आगे बढ़ें। और ऑटोमेटिकली फिर आप जानते हैं कि टीम वर्क से बड़ा तो कोई भी पावर दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं एजाइल मैनिफेस्टो में जो आपका कल्चर बनाती हैं एजाइल में, ठीक है। तो अब अगर थोड़ा सा स्क्रम कैनबैन के बारे में अभी डिटेल में समझते हैं, हम सारे रोल्स, आर्टिफैक्ट, सेरेमनी सबको समझेंगे। तो स्क्रम एक तरीके से आप समझ लीजिए, देखिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो एक आज के टाइम पे क्या होता है, सबसे पहले प्रोग्राम बनाया जाता है, उसके विजन, गोल्स वगैरह सब डिफाइन किए जाते हैं। जब प्रोग्राम डिलीवर हो जाता है तो हम उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रोजेक्ट पहले कहा जाता है, तो प्रोजेक्ट एक्चुअली में टेम्परेरी चीज़ होती है जिसकी एक टाइमलाइन डिफाइंड होगी और वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। तो प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट अभी हट चुका है, प्रोग्राम और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। तो जब आप कोई नई चीज डेवलप करते हैं, जो आपके दिमाग में कोई माइंडसेट में इनोवेशन आइडियाज है, वो एज अ प्रोग्राम लिए जाते हैं, वो जो जाके आने वाले कल में प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली में स्क्रम वहां पे प्रेफर होता है। और कैनबैन एक तरीके से, आप कैनबैन का एक्चुअल मीनिंग विजुअल बोर्ड है, तो बोर्ड में आपका विजुअलिटी वहां पे दिखती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब प्रोडक्ट बन जाता है प्रोग्राम के बाद में, तो स्क्रम स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि उसमें बैकलॉग्स रहते हैं और बैकलॉग में जो आपके रिक्वायरमेंट्स, फीचर एडिशन, एनहांसमेंट करने पड़ते हैं, वो सारी चीजें आप स्क्रम के थ्रू आई मीन इंप्लीमेंटेशन करते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्प्रिंट्स में काम होता है, ठीक है। कैनबैन एक विजुअलिटी देता है डैशबोर्ड में कि आपका कौन सा काम पेंडिंग है, कौन सा काम इन प्रोग्रेस है, कौन सा काम टेस्टिंग पे है, कौन सा काम एग्जीक्यूशन पे हो गया और रिलीज के लिए रेडी हो गया है। इस तरीके से आपका कैनबैन में विजुअलिटी डैशबोर्ड एक टेबल टाइप से बनती है, उसमें दिखाई देती है। स्क्रम में इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब आप स्क्रम भी फॉलो कर रहे हैं जिसमें आप स्प्रिंट वगैरह, डेली स्टैंडअप मीटिंग ले रहे हैं, उसकी सारी सेरेमनीज कर रहे हैं, आप रेट्रोज ले रहे हैं, पोकर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आप सारी चीजें एक डैशबोर्ड में भी देख रहे हैं। जब आपकी स्प्रिंट स्टार्ट हो जाती है तो उसकी जो ट्रैकिंग होती है वो आप कैनबैन में, कैनबैन का जो विजुअल बोर्ड है, आप वहां पे सारी ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन या कल्चर को काम करने को स्क्रम बैन कहते हैं, ठीक है। तो अब चलिए बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीजें समझना स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट है इसके रोल्स समझना। देखिए तीन ही टाइप के रोल्स होंगे आपके जब आप स्क्रम या कैनबैन किसी को भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे आप एजाइल में, जिसमें सबसे पहला होगा, अभी हम लोग स्क्रम के थ्रू डिटेल में समझते हैं और यही सेम चीज़ें कैनबैन के लिए भी एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट ओनर होता है हमारा, देखिए एक हो गया आपका क्लाइंट जो आपका कस्टमर होगा, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको लैपटॉप कंसिडर करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, जिसने दिए हो वो हो, या कोई भी बड़ा कस्टमर हो सकता है, वो चाहे तो प्रोडक्ट ओनर बन सकता है, अदरवाइज एक रिप्रेजेंटेटिव दे सकता है अपनी तरफ से जो उसकी रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझेगा, वही ओके बोलेगा जो भी आप रिलीज प्रोडक्शन में ले जाना चाहते हैं, उनका ही ओके लगेगा आपको कि हाँ दिस इज ओके, दैट्स वॉट आवर कस्टमर और आवर मेन यूजर वॉन्ट्स इट टू गेट इट डिप्लॉयड ऑन द प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ओनर हो गए आपके रिप्रेजेंटेटिव, आपके स्टेक होल्डर्स के। स्टेक होल्डर्स की परिभाषा भी देखिए थोड़ा सा अलग होती है, स्टेक होल्डर्स में एक अलग से मैं आपको मैट्रिक्स भी समझाऊंगा कि किनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, किनकी पावर ज़्यादा है, किनकी, उसके बेसिस पे आप प्रायोरिटी देते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। पर स्टेक होल्डर एक सिंपल भाषा में समझिए, कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करता है या उससे इम्पैक्टेड है, वो सारे लोग स्टेक होल्डर हो गए, या उनके इनपुट्स अगर उस पर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो वो आपके टीम भी हो सकती है, आपके मैनेजर भी हो सकते हैं, आपके मेन यूज़र भी हो सकते हैं, आपके क्लाइंट हो सकते हैं जिन्होंने रिक्वायरमेंट दी है। तो पर इनकी पावर
पर या इनकी प्रायोरिटी उनके रोल के बेसिस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स या आपके जो मेन क्लाइंट और मेन कस्टमर हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव या वो खुद वो प्रोडक्ट ओनर कहलाएंगे। जो टीम इस सोल्यूशन को डेवलप करेगी, टेस्ट करेगी, एग्जीक्यूशन करेगी, वो टीम कहलाती है, ठीक है। और आपका स्क्रम मास्टर, स्क्रम मास्टर एज अ टीम लीड या प्रोजेक्ट लीड आप कह सकते हैं, पर इनका मेन काम यहाँ पे ये होता है कि जो भी टीम है या प्रोडक्ट ओनर है अगर उनके बीच में कोई गैप है तो उसको क्लियर करें, या कोई रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो वो जो भी एक तरीके से एक आपकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कोई गैप ना हो, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए स्क्रम मास्टर होता है, ठीक है। तो स्क्रम मास्टर का ये रोल था, यही तीन चीज़ें यहाँ पर होती हैं। क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको कंसिडर करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, में रेट्रोस वगैरह करने में, पोकर प्लानिंग्स वगैरह करने में, टीम को गाइडेंस देने में, ठीक है। तो जो भी सारी चीज़ें होंगी वो सारा काम आपका स्क्रम मास्टर करेगा, ठीक है। अब अगर हम आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए मेनली बैकलॉग्स आएंगे आपके, इसमें स्पेशली प्रोडक्ट बैकलॉग हो गया, जब आप प्रोडक्ट के कई मेन बैकलॉग जो भी फीचर्स आपका यूजर्स कस्टमर चाहता है वो सारे बैकलॉग हो गए। उसके बाद हर स्प्रिंट, आपकी जो स्प्रिंट है मेनली देखिए ये जो स्प्रिंट होती है, स्प्रिंट क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको लैपटॉप कंसीडर करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल डिसाइड कर लिए हैं अपने ओनर से डिस्कस करके, टीम ने डिसाइड कर लिए हैं कि हम हर टू वीक्स में कुछ ना कुछ आपका जो भी प्रोडक्ट में आपने जो बैकलॉग रखा हुआ है, मतलब जो आपने रिक्वायरमेंट दी हुई है उनमें से कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट डिलीवर करते जाएंगे या कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तो 2 वीक 3 वीक 4 वीक वो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 2 वीक ही इन जनरल ज़्यादातर जगह रहता है, और उसके बेसिस पे जो भी रिक्वायरमेंट आपने दी होती हैं, जो आपके प्रोडक्ट की कई रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए एक्सेल में ही रिक्वायरमेंट सारी लिखी हुई हैं, तो उसको हम बैकलॉग कह रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट बैकलॉग। उनमें से कुछ रिक्वायरमेंट मान लीजिए वहाँ पे 100 रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पे 100 में से आपने 10 पिक करी कि हम 2 वीक्स में डेवलप कर लेंगे, या 2 वीक्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 2 वीक्स का ड्यूरेशन हुआ इसको हम स्प्रिंट कहेंगे, ठीक है। तो ये स्प्रिंट हो गया, स्प्रिंट बैकलॉग फिर वो कहलाएगा, जिसमें स्प्रिंट को आप जब पिक करेंगे, स्प्रिंट के अंदर आप जो भी रिक्वायरमेंट को पिक कर लेंगे 2 वीक्स में करने के लिए या 3-4 वीक जो भी आपने डिसाइड किया वो स्प्रिंट बैकलॉग कहलाएगा। इंक्रीमेंट क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए 10 पिक करी हैं, उसके बाद 10 में से 8 आप, क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको लैपटॉप कंसिडर करने हो जाएंगी, ठीक है, काम करने के लिए, ठीक है। सेरेमनीज क्या क्या होती हैं, इसमें स्प्रिंट प्लानिंग होती है, स्प्रिंट प्लानिंग में यही डिसाइड होता है कि हमें कौन कौन सी यूजर स्टोरीज या कौन कौन सी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अभी हम एपिक यूजर स्टोरी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिंपली भाषा में रिक्वायरमेंट समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होती रहे चीज़ें, ठीक है। तो स्प्रिंट प्लानिंग में क्या है कि स्प्रिंट में आप जो जो रिक्वायरमेंट आप डेवलप करना चाहते हैं उनकी प्लानिंग हो रही है, यहाँ पे कुछ हो सकता है पहले रह गई हूँ, कुछ इस बार लेनी है, और उनमें से कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हाई लो करनी है प्रायोरिटी के बेसिस पे, इस टाइम पे वो प्लानिंग हो गई एक तरीके से, ठीक है। स्प्रिंट रिव्यू, वही स्प्रिंट के कंप्लीट होने के बाद हम रिव्यू करेंगे कि क्या सही क्या गलत जो भी था, और स्प्रिंट रेट्रो भी एक चीज़ होती है जिसको अभी हम और डिटेल में समझेंगे। स्प्रिंट रिव्यू हो गया आपके रिक्वायरमेंट एनहांसमेंट से रिलेटेड, लेकिन जो रेट्रो हो गया वो थोड़ा सा उसमें प्रोडक्ट ओनर को भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है आपकी टीम के साथ में, और वो आपको एक तरीके से आप सभी लोग उसमें देखते हैं कि हमारे लिए क्या व्हाट वेंट वेल, और क्या हमारे लिए एकदम अच्छे से डिलीवर हुआ, क्या नहीं हो पाया, क्या हम अच्छा कर सकते थे, एक तरीके से उसका रेट्रो करना, ताकि हम अगली बार वैसी गलती को रिपीट ना करें, ठीक है। और डेली स्क्रम होता है, डेली स्क्रम का मतलब ये होता है डेली स्टैंड अप मीटिंग कह सकते हैं इसको, कि डेली क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको लैपटॉप कंसीडर करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, खड़े होते रहो, वो 10 मिनट की मीटिंग होती थी एट मोस्ट, ठीक है, और 15 मिनट तक भी जा सकती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहा जाता है 10 मिनट के लिए। अब आजकल रिमोटली वर्किंग होता है तो हर कोई अपने लैपटॉप वगैरह से कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो एक टाइम ड्यूरेशन उसका फिक्स होता है, उस टाइम ड्यूरेशन में ही वो सारी वो मीटिंग स्टार्ट होगी, और सारी टीम को उसमें ज्वाइन करना मस्ट है स्क्रम मास्टर के साथ में, प्रोडक्ट ओनर ऑप्शनल होता है वहाँ पे, ठीक है। तो टीम और स्क्रम मास्टर मस्ट ज्वाइन करते हैं वहाँ पे, और डेली वहाँ पे डेली जो स्टैंड अप मीटिंग होती है वहाँ पे अपडेट दिया जाता है, जिसमें स्पेशली इस चीज़ के लिए स्टैंड अप मीटिंग होती है कि आपका कोई वहाँ पे इंपेडिमेंट तो नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसकी वजह से आपका टास्क रुक गया है और वो टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपको बतानी
करनी होती है वहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। आपको टाइमलाइन क्लियर होनी चाहिए कि मुझे क्या टाइम इस वीक में कंप्लीट करना था, तो वो इस वीक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपको इंपेडिमेंट नहीं बताएंगे तो स्क्रम मास्टर में एज्यूम करके चलेगा कि जो भी टास्क है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा इस 2 वीक की स्प्रिंट में जो भी आपने प्लान किया था, ठीक है। तो इंपेडिमेंट बताना बहुत जरूरी है। आपने अगर इंपेडिमेंट नहीं है तो आप ये बताइए कि भाई मैंने कल क्या कंप्लीट कर लिया था और आज मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और अगर इन बिटवीन आपकी जो स्प्रिंट चल रही है उसमें कोई टास्क आपने लिया वो पहले कंप्लीट हो गया, तो यू आर फ्री टू आस्क योर स्क्रम मास्टर कि मेरे को कुछ और काम दे दीजिए अपने बैकलॉग में से। अगर वो बैकलॉग में ऑलरेडी स्प्रिंट बैकलॉग में से कई लोगों ने पिक नहीं किया हुआ है, कुछ बचा है, तो आप ऑटोमेटिकली वो पिक कर सकते हैं काम करने के लिए। लेकिन अगर उस स्प्रिंट बैकलॉग में से भी और सारी चीज़ें पिक कर ली गई, बाकी टीम मेंबर्स को अलॉट हो चुकी है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बीच में भी कि प्रोडक्ट बैकलॉग में से कुछ चीज़ें उठा के स्प्रिंट बैकलॉग में रखी जाए, जो कुछ ना कुछ स्क्रम मास्टर को आइडिया रहता है कि क्या चीज़ प्रायोरिटी पर, और उसको अगर कुछ कम ड्यूरेशन में अगर हम कंप्लीट कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत अभी मतलब मैं आपको सेरेमनीज के बारे में समझाया है यहाँ पे, लेकिन और भी डिटेल में अभी चलेंगे, और ऐसा नहीं कि इतने में सारा डिटेल कंप्लीट कर लिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, एपिक फीचर, यूजर स्टोरी और टास्क, इन सब में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखिए, जब हम कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, कोई भी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो आपका गोल हमेशा डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। एक तो प्रोग्राम का गोल हो गया, प्रोडक्ट का गोल हो गया, इवन दो जब आप स्प्रिंट क्रिएट करेंगे स्प्रिंट का भी गोल होगा, ठीक है। तो उस गोल को अचीव करना है हमें, ठीक है। तो जब हम बड़े लेवल पे गोल अपना कोई प्लान करते हैं तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रोडक्ट इनिशिएटिव PI जिसको कहते हैं, वो PI प्लान किया जाता है। इस PI में मीटिंग में सभी लोग आते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स आपके आते हैं, टीम मेंबर आते हैं, आपके सारे सीनियर मैनेजमेंट, यूजर्स वगैरह, सब लोग, कस्टमर, क्लाइंट, सब लोग आते हैं, और यहाँ पे प्लान किया जाता है प्रोडक्ट PI जो भी आपकी मीटिंग होती है, कि हम आने वाले कल में आपका जो भी प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, जो भी आपका प्रोग्राम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, उसकी क्या प्लानिंग है अगले, और वो 3 मंथ के लिए होती है प्लानिंग, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार 6 मंथ के लिए भी कर सकते हैं प्लानिंग, लेकिन 3 मंथ के लिए करते ताकि 3 मंथ बाद फिर से हर क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग की ये मीटिंग दोबारा होगी, जिसमें हम ये बताएंगे कि हम क्या क्या चीज़ें प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, कितनी टीम्स होंगी, कितने स्प्रिंट्स लगेंगे, वो सारी चीज़ें प्लान होती हैं। पूरा बैकलॉग डिफाइन किया जाता है वहाँ पे प्रोडक्ट का, और जब एक बार आपका बैकलॉग डिफाइन हो जाता है, उसके बाद वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है आपकी, आपकी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, एपिक फीचर, यूजर स्टोरी और टास्क। देखिए, टास्क आप समझ लीजिए एक सिंपल सी चीज़ है जो डेली बेसिस पे आपको करना है। एपिक होगी एकदम ही हाई लेवल, ठीक है। आपने एकदम हाई लेवल, आपने बोला मान ली शॉपिंग कार्ट, आपने ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें विशलिस्ट आपका आइटम होना चाहिए, एक विशलिस्ट टाइप से चीज़ होनी चाहिए, तो वो एपिक हो गई। अब उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए वो आप डिफाइन करेंगे, फिर वहाँ से यूजर स्टोरीज निकालेंगे, ठीक है, और यूजर स्टोरी से टास्क निकालेंगे। टास्क लेकिन डेली बेसिस पे इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तो 2 दिन में एक टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। बीच में इनकेस ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट ऑलरेडी रनिंग है, उसमें कुछ बग आ गए हैं, और तो वो बग भी आप ले सकते हैं अपने टूल्स में डिफाइन करके, यूजर स्टोरी को ऑन होल्ड करेंगे आप। और अगर आपको ये बोला जाता है कि उस बग को फिक्स करना है, तो एज एन स्पाइक वो चीज़ लेंगे आप, है ना, और उस टास्क को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से इस चार्ट को बहुत अच्छे समझ लेते हैं। हमें इनपुट्स मिले, हमें रिक्वायरमेंट मिली अपने एग्जीक्यूटिव टीम, स्टेक होल्डर, कस्टमर, यूजर से, जो कि प्रोडक्ट ओनर को दी जाती है। प्रोडक्ट ओनर वो खुद भी हो सकते हैं या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, जिससे टीम हमेशा कम्युनिकेट करती रहेगी। जैसे एक पहले टाइम पे BA होते थे, BA हमेशा आपके बिजनेस एनालिस्ट जो होते थे वो आपके यूजर सारी रिक्वायरमेंट को गैदर करते थे और वो कम्युनिकेशन का काम करते थे टीम से, और कई जगह डायरेक्ट यूजर भी इन्वॉल्व रहते हैं। अगर उनकी टीम बड़ी होती है तो एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी टीम से एक दे देते हैं जो डायरेक्टली आपकी टीम के साथ इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ओनर हो गया, प्रोडक्ट ओनर ने आपका पूरा प्रोडक्ट बैकलॉग देखा, उसमें रिक्वायरमेंट दी, उसमें प्रायोरिटी सेट करी, रैंकिंग दी, सब कुछ, और वो टीम को दी। टीम ने उसमें से देखा कि भाई, प्रोडक्ट ओनर के साथ डिस्कशन में उसने बताया कि भाई हमें 2 वीक की स्प्रिंट रखेंगे, इस 2 वीक के स्प्रिंट में हम ये टास्क ले सकते हैं, और वो टास्क के बेसिस पर वो सारी चीज़ें आपकी उठ के स्प्रिंट बैकलॉग में आ जाएंगी। स्प्रिंट बैकलॉग में आने के बाद आप देखेंगे जो भी यूजर स्टोरी है आपकी, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे हर चीज़, देखिए फाइनली तो यूजर स्टोरी में ब्रेक होगी और यूजर स्टोरी को ही आपको पिक करना है, ठीक है। कैसे उसका एस्टिमेशन करते हैं, कैसे हमारी कैपेसिटी होती है, कैसे हमारी वेलोसिटी निकलती है, कैसे हम ट्रैक करते हैं कि हमारा टास्क ऑन कंप्लीट हो रहा है बन डाउन चार्ट के थ्रू, वो सब भी अभी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पर अभी आप ये समझिए कि बैकलॉग में आई, फिर 1-4 वीक स्प्रिंट जो भी आपने डिसाइड करी है वो आपने उसमें ली चीज़ें, और हर डेली स्क्रम मीटिंग जो भी आपकी डेली स्टैंड अप मीटिंग, हम नहीं कहते डेली स्क्रम मीटिंग कहते हैं, क्योंकि स्टैंड अप का मतलब होता था स्टैंड, तो
तो डेली चीज़ें आपकी स्क्रम मीटिंग जो भी आपकी एक फिक्स टाइमिंग होगा उसमें सब ज्वाइन करेंगे, स्टेटस बताएंगे, इंपेडिमेंट सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें आप बताएंगे, अगर कोई चीज़ आपके काम को रोक रही है और वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो सकती है डेफिनेटली आपको बतानी है, और क्या आपने कल कंप्लीट किया, क्या आज आपकी प्लानिंग है, अगर कोई इंपेडिमेंट नहीं है तो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जब आपका स्प्रिंट का वीक कंप्लीट हो जाता है, जैसे 2 वीक का आपने माना था, तो उसकी स्प्रिंट का रिव्यू होगा, वो टीम के बीच में होगा, लेकिन उसके साथ में एक रेट्रो होता है जिसमें प्रोडक्ट ओनर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, और उसके बाद आपका जो भी टास्क कंप्लीट किया होता है वो रिलीज मैनेजर डिसाइड करता है, जो जो टास्क कंप्लीट हो गया है उनको किस तरीके से हमें प्रोडक्शन में लेके जाना है, आपके जो भी इन्वायरमेंट वगैरह में टेस्टिंग वगैरह करके, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ होगी आपके एजाइल स्क्रम में फॉलो करने की। अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और चीज़ों को डेली स्क्रम मीटिंग में। देखिए ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होती हैं उसमें। और थोड़ा सा और समझ लेते हैं एपिक फीचर स्टोरी को। देखिए एपिक एक तरीके से हो गया आपको, जो भी एपिक आपने डिसाइड किया बिजनेस नीड के लिए वो आपके वाई को डिफाइन करता है, ठीक है, कि आपको जो विशलिस्ट चाहिए तो क्यों चाहिए, अगर उसका जेन्युइन आंसर है बिजनेस की तरफ से तो वो एपिक हो गई आपकी। एपिक के बेसिस से फीचर्स आप निकालेंगे जिसमें आप डिफाइन करेंगे उस विश लिस्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स देने हैं उसको, जो फीचर्स है आपकी स्टोरी निकल के आएगी, ठीक है, कि भाई उसमें जो भी है, मतलब आप अमेजोन वगैरह फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, विश लिस्ट वगैरह आप उससे समझ सकते हैं। और फिर डेली बेसिस पे आपको काम करने के लिए टीम को उसमें स्टोरी को टास्क में ब्रेक करना पड़ेगा, जो आपका सोल्यूशन को डिफाइन करेगा, ठीक है, जो ये बताएगा कि वो कैसे काम को करना है, ठीक है। अब फिर से वही विशलिस्ट वाले एग्जांपल को अच्छे से समझ लेते हैं। अच्छा, थीम भी कहा जाता है, थीम इसको विशलिस्ट को आप कह सकते हैं। उसके बाद एपिक हो गई आपके तरीके से, कि विशलिस्ट एक टर्म हो गया, एक सिंगल टर्म हो गया, तो इसलिए उसको थीम कह देंगे हम लोग। और एपिक हो गया आपका, एज अ कस्टमर आई वॉन्ट टू एबल टू हैव अ विशलिस्ट दैट आई कम टू बाई बैक टू प्रोडक्ट लेटर, ठीक है। एपिक का मतलब ये होगा उसने कस्टमर ने आपको बता दिया कि एक ऐसी चीज़ मेरे को बतानी है ताकि यूज़र अपनी फेवरेट चीज़ें वहाँ पर डाल सके और बाद में ये भी कर सके कि भाई मुझे इनमें से कौन सी चीज़ कार्ट में डालनी है शॉपिंग करने के लिए, इस तरीके का एपिक बता दिया, ठीक है। अब आपको स्टोरी में कैसे ब्रेक करेंगे, स्टोरी में ब्रेक करने के लिए आपके लिए क्या हो गया कि भाई आप प्रोडक्ट को सेव करना चाहते हैं, आप उसमें स्टार या हार्ट लगाना चाहते हैं ताकि वो आपकी एक स्पेशल लिस्ट में चली जाए ताकि आप उसको व्यू कर पाएं, ठीक है। तो ऐसे आपकी कई स्टोरीज बनने लग गई, ठीक है। अब टास्क आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टास्क बनाने में आपको डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को एक बटन ऐड करना पड़ेगा, मेरे को एक प्रोसीजर ऐड करना पड़ेगा, मेरे को कुछ वैसे काम करने पड़ेंगे, तो वो आपके टास्क हो गए जो स्टोरी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो शायद मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन डेफिनेशन ऑफ रेडी और डेफिनेशन ऑफ डन, देखिए ये हर टीम डिफाइन करती है कि जब आप स्टोरी डिफाइन कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने स्क्रम में उसको डेवलपमेंट करने के लिए, तो आप कब एज्यूम करेंगे कि वो जो भी स्टोरी है वो रेडी है हमारे काम करने के लिए। जैसे मैंने बताया पहले कि आप कभी भी स्टोरी को तब एक्सेप्ट नहीं करेंगे डेवलपमेंट करने के लिए जब उसमें कोई चीज़ अनक्लियर है, अगर आपको लग रहा है कि कोई इसमें डाउट है मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, कैसे इसका डेवलपमेंट करूंगा, ठीक है, तो आप कभी उस स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जरूरी है कि हर एक चीज़ क्लियर हो स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए, क्या क्या टास्क बनेंगे और उसके कंप्लीट होने के बाद तो हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये स्टोरी मेरी कंप्लीटेड होगी, उसके लिए डेफिनेशन ऑफ डन होती है। डेफिनेशन ऑफ डन में डिसाइड होगा कि भाई जो भी स्टोरी आपने कंप्लीट करी उसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो वही है जो एक्चुअल में नीड थी, ठीक है। वो डेफिनेशन ऑफ रेडी और डेफिनेशन ऑफ डन ये डिफाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हर स्प्रिंट में काम करने के पहले, तभी आपकी स्टोरी कंप्लीट या रेडी मानी जाएगी, है ना। कि रेडी का मतलब हुआ कि डेवलपमेंट आप करना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। डन का मतलब कंप्लीट हो गया वाकई में डन के पैरामीटर के बेसिस पे, और ये स्क्रम मास्टर डिफाइन कर सकता है और प्रोडक्ट बैकलॉग में या फिर प्रोडक्ट ओनर वगैरह से उनसे डिस्कशन करके भी वो सारी चीज़ें डिसाइड हो सकती हैं कि हमारी डेफिनेशन ऑफ रेडी या डेफिनेशन ऑफ डन क्या रहेगा, इसके बेसिस में सारी चीज़ें कंप्लीट हमारी मानी जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा एग्जांपल हो गया, और वही जैसे कि आप समझ सकते हैं हाई लेवल डिटेल तो थीम में आ जाएंगी, मिड लेवल डिटेल आपकी जो भी अगर आप डायग्राम के बेसिस पे समझना चाहते हैं तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम या फंक्शनल डायग्राम आपके हो गए, वो सारे आपके फीचर्स और एपिक में आ गए। एपिक में आपकी लॉजिकल ग्रुपिंग कर दी जाएगी यूज़ केसेस की, और लो लेवल डिटेल तो वही होगी जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर होंगी एकदम कि भाई हमारा कैसे उसका वर्क फ्लो चलेगा, उसका कैसे चार्टिंग होगी, कैसे उसका एक्चुअल में एग्जीक्यूशन होगा, वो सारी चीजें आपकी वहां पे आ जाएंगी एग्जीक्यूशन के फॉर्म में, ठीक है। और देखिए मल्टीपल स्प्रिंट में जब काम होता है तो आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि वहां पे जो बिजनेस ओनर होगा उसकी एपिक हो सकता है मल्टीपल स्प्रिंट के लिए कॉमन हो, क्योंकि हर मल्टीपल स्प्रिंट में उस एपिक को मल्टीपल स्टोरीज में ब्रेक किया गया होगा, तो वो स्टोरीज आपकी कंप्लीट होती जाएगी किसी ना किसी स्प्रिंट में,
और उसके बाद रिलीज मैनेजर ये डिसाइड करेगा कि किस चीज़ को हमें कब रिलीज करना है। तो इसीलिए दो टाइप के बैकलॉग भी होते हैं जो भी आप आगे दिखाएंगे, सॉरी दो टाइप के बर्न डाउन चार्ट होते हैं जो भी हम आपको दिखाएंगे आगे, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे उसका रिलीज भी प्लान किया जाता है और कैसे स्टोरी को कंप्लीट समझा जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, एक कोई यूज़र रजिस्ट्रेशन है वो 1.5 स्प्रिंट तक मान लीजिए चल गई है, फिर सर्च ट्रैवल है वो भी ऐसे कंप्लीट हुई है। तो आप समझ रहे हैं मल्टीपल स्प्रिंट में भी वो काम कंप्लीट हो सकता है, लेकिन वो जो एपिक है वो 4 स्प्रिंट के लिए डिसाइड की गई थी, जो कि जब PI आपका हुआ था यूज़र के साथ में, कस्टमर के साथ में, वहाँ पर डिसाइड किया गया था कि 4 स्प्रिंट में हम एक एपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, यूज़र स्टोरी लिखने का एक तरीका होता है कि यूज़र आपको डिफाइन करना पड़ेगा एज अ रोल। ठीक है, जैसे वो एक ही चीज़ हर अलग अलग रोल के लिए डिफरेंट हो सकती है, वही जो पेज है वो अलग अलग रोल के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए एज अ रोल से डिफाइन करना पड़ेगा आपकी यूज़र स्टोरी को, और उसके बाद क्या एग्जीक्यूट, क्या रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एज अ कस्टमर आई वॉन्ट टू बाई गिफ्ट फॉर माई फैमिली जो भी है, उसके बाद सो दैट दे कैन जो भी रिजल्ट अचीव करना उसके बेसिस पे आप वो समझाएंगे वहाँ पे। ठीक है, उस एपिक वो जो थीम समझ लीजिए, उसको थीम हो गया, थीम को फिर एपिक में आपने डिवाइड किया कि ठीक है मैं फैमिली की विश लिस्ट को बनाना चाहता हूँ, फिर आपने मल्टीपल स्टोरीज को बनाया, तो स्टोरी को और ब्रेक किया जिसमें आपने फैमिली के गिफ्ट आइटम को रखा और दूसरे में आपने अपने पर्सनल गिफ्ट आइटम को रखा। ठीक है, उसके बाद आपने ये इसको मल्टीपल टास्क में कन्वर्ट किया कि भाई एक विश लिस्ट पेज अलग बनेगी और होम पेज पे भी हो सकता है शॉर्टकट दिया जाए। ठीक है, उसके बाद उनके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाए जाते हैं। अच्छा, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को समझना। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको डिफाइन करता है आपके टेस्ट केसेस, जैसे आपके जो टेस्ट केसेस होते हैं, ठीक है, आप जब भी कंप्लीट करेंगे जिसके बेसिस पे आप अपने जे यूनिट टेस्ट केसेस भी लिखेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग लिखेंगे, वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बेसिस पे होंगे कि भाई आपने जो भी अपना टास्क कंप्लीट किया है, जो यूजर स्टोरी कंप्लीट करी है, उसमें इनपुट क्या था और आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड था। ठीक है, और क्या क्या वैलिडेशन होने चाहिए थे, वो सारे आपके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में डिफाइन होंगे। तो जब आप जैसे टूल वगैरह यूज़ करेंगे, जब स्टोरी वगैरह बनाएंगे, तो आप हमेशा देखिएगा वहाँ पे स्टोरी के साथ में आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का भी वहां पे सेक्शन रहेगा जहां पे आपको टेस्ट केसेस लिखने हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का क्या मतलब हुआ। ठीक है, और यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था कि रिलीज लेवल पे इन जनरल एपिक ही प्लान करी जाती है और स्प्रिंट लेवल पे आपकी स्टोरी प्लान की जाती है, डेली लेवल पे आपके टास्क डिफाइन किए जाते हैं और सारे एपिक कंबाइंड होकर आपका एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको एक थीम या लार्ज एपिक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी एनाटोमी है यूजर स्टोरी की, जिसमें आप ये देखिए मैंने जो बताया था आपको कि बेसिकली आप यूजर स्टोरी जब डिफाइन करेंगे तो उसमें उसके करंट या सजेस्टेड इम्प्लीमेंटेशन को ले सकते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एक तरीके से आपका डिफाइन करेगा टेस्ट केसेस को। ठीक है, और आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं वहाँ पे कि अगर कोई रिस्क आपको लगता है, ठीक है, कि उसकी डिस्कवरी या एवेल्युएशन में या उसके टैगिंग करने किसी और यूजर स्टोरी की डिपेंडेंसी के ऊपर कि भाई वो यूजर स्टोरी जब तक नहीं जाएगी तो मेरी ये वाली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आप कुछ डिज़ाइन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें भी देना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके टूल्स में सारी चीज़ें जरूर आती हैं। ठीक है, तो आप जब जैसे मान लीजिए आप ये देखें यहाँ पे जीरा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जीरा सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करेंगे यहाँ पे तो आपको ये सारे बैकलॉग वगैरह यहाँ डिफाइन करें, तो मैंने इसमें कुछ बनाया नहीं लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बैकलॉग में क्या है, आप प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, आप डिफाइन करेंगे मैं स्क्रम यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप सारे बैकलॉग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, स्प्रिंट वगैरह सारी चीज़ें आने लग जाएंगी, तो हर स्प्रिंट के बैकलॉग आप जहाँ असाइन करना चाहते हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप रोड मैप भी डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए आपकी सारी मैपिंग आपकी गोल वगैरह से हो जाएंगी। ठीक है, वर्क और जो बोल्ड अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई बोर्ड डिफाइन करना चाहते हैं जिसमें आप ट्रैकिंग वगैरह करना चाहते हैं, किसी अलग अलग प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो वो सारे आप बोर्ड वगैरह की ट्रैकिंग कर सकते हैं। और ये जो जीरा सॉफ्टवेयर है इसकी आप लिंकिंग अपने जो भी कम्युनिकेशन के लिए आप स्लैक यूज़ करते होंगे, टीम्स यूज़ कर सकते होंगे, उनमें भी कर सकते हैं। कल को अगर आप कोई यूजर स्टोरी डिफाइन करते हैं यहाँ पे और किसी ओनर को आप किसी टीम मेंबर को असाइन कर सकते हैं तो डायरेक्टली वो टीम में पिंग हो जाएगा। ठीक है, तो टीम में उसको दिखाई देने लग जाएगा। आप जेनकिन पाइपलाइन के सारे एडिशन कर सकते हैं ताकि वो रिलीज उसके साथ टैग हो जाएगी, ये पता लग जाएगा अच्छा यूजर स्टोरी जो भी रिलीज थी किस रिलीज के साथ में एक्चुअली में प्लान हुई थी या गई थी या होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप टूल के थ्रू कर सकते हैं। जब आप टूल यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगना शुरू होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको लैपटॉप वही कंसीडर करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे, फॉलो की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बस एक डिफरेंस ये होता है कि आप एक विजुअल डैशबोर्ड बनाते हैं। ठीक है, अब ये विजुअल डैशबोर्ड में आप देखें यहाँ पे टू डू, रिसर्च इन प्रोग्रेस, रिव्यू,
कंप्लीटेड, ये आपके ऊपर डिफाइंड करना होता है कि आप कितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं। आप हो सकते हैं सिंपल बनाना चाहें, टू डू इन प्रोग्रेस टेस्टिंग डन इतना बनाना चाहें, या आप इस तरीके से डिटेल वे में बनाना चाहें। तो मोस्टली 5, 4, 6 कॉलम्स के बीच में रहता है और उनके बेसिस पे चीज़ें ट्रैक होती हैं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आप स्प्रिंट बैकलॉग में 10, मैंने जैसे बताया आपकी यूजर स्टोरी है, तो उनमें से एक यूजर स्टोरी आपने यहाँ टू डू वाले टास्क में लाओगे, ठीक है। और टू डू वाले टास्क में यहाँ पर नेम लिखा जाएगा, जैसे ये आइकन बना हुआ है कि भाई इस पर कौन कौन काम कर रहा है, वो आइकन वहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद उसने रिसर्च में लाया, ठीक है। रिसर्च में वो देखता है कि अच्छा इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो सारी की सारी प्रेजेंट है इसको कंप्लीट करने के लिए, या मुझे कुछ और पूछना है या किसी और पर डिपेंडेंसी है, उस चीज़ को वो वहाँ पर तभी बता देगा स्क्रम मास्टर को, भाई अगर कोई डिपेंडेंसी है तो वो वहीं डिफाइन कर देगा। तो वहाँ से वो वापस टू डू में जा सकता है, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मेरे पास कंप्लीट है, मैं इसका काम स्टार्ट कर सकता हूँ, तो आपको इमीडिएटली उसको इन प्रोग्रेस में ले आना है। अब जितने भी दिन आपको लगते हैं उस टास्क को कंप्लीट करने में, आप इंक्लूडिंग टेस्टिंग आप उसको कंप्लीट करिए और रिव्यू के लिए डाल दीजिए, या यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट ओनर होगा वो उसको रिव्यू करेगा, इसको एज अ डेमो भी आप कह सकते हैं। डेमो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो फीडबैक लेने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी चीज़ें आपने डेवलप करी हैं प्रोडक्ट ओनर से फीडबैक जरूर लेना है आपको हर स्प्रिंट में, ठीक है, ताकि वो उसको ओके बोले और उसमें अगर कुछ एनहांसमेंट हो वो सब चीज़ें तभी से बता देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिव्यू करेंगे और उसके बाद वही जो डेफिनेशन ऑफ डन आपने डिफाइन की होगी उसके बेसिस पे ये कंप्लीटेड माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैनबैन, जो आप डिपेंड करता है आप किस तरीके से यूज़ करते हो, ठीक है। तीन जैसे यहाँ पे बने, टू डू, वर्क डन, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये टूल्स वगैरह में ऑटोमेटिकली रहता है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है पोकर प्लानिंग एस्टिमेशन की। देखिए क्यों हमें पोकर प्लानिंग या एस्टिमेशन को समझना ज़रूरी है और कैसे ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी कैपेसिटी, आपकी प्लान, आपकी वेलोसिटी, बहुत चीज़ें ये डिफाइन करता है, ठीक है। देखिए पोकर प्लानिंग की ज़रूरत भी क्या, किस तरीके से पड़ी और किस तरीके से एस्टिमेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है एजाइल वे में। क्योंकि जब हम वर्क फ्लो उसकी बात करेंगे वाटरफॉल की, तो आपको याद होगा वाटरफॉल में एस्टिमेशन हम लोग कैसे करते थे कि कोई भी अगर हम टास्क रिक्वायरमेंट लेते तो वो कितने दिन में कंप्लीट हो सकता, उसमें कितनी, तो हम लोग क्या करते थे कितनी फाइल्स बनेंगी उसमें फ्रंट एंड साइड से, कितनी बैक एंड साइड से बनेंगी, उसको कोड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। आप पर्सन डेज में टाइम निकालते थे या पर्सन मंथ में, पर्सन ईयर में टाइम निकालते थे कि इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में मेरे को इतने डेज लगेंगे, उससे टोटल टाइम निकल के आता था। तो टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का मान लीजिए निकल के टाइम आता था 360 मान लीजिए डेज निकलते थे। फिर आप सोचेंगे कि इसको कितने फर्दर पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूँ, मान लीजिए 12 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, तो 12 डेवलपर अगर मैं ले जाऊँगा तो 3 मंथ में ये काम कंप्लीट हो जाएगा मेरा, ठीक है। इस तरीके से आप एस्टिमेशन किया करते थे, ठीक है। और पोकर प्लानिंग में देखिए क्या होता है, पोकर प्लानिंग एस्टिमेशन एजाइल के बेसिस पे स्क्रम और कैनबैन वगैरह के लिए ही बना हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें ये फिबोनाची सीरीज़ है, ठीक है। और ये फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है, एक तरीके से आप इसको हाई मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी या आप समझ सकते हैं कि हाई लो मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी, मान लीजिए 3 पैरामीटर ही होते हैं और आप को ये बोला जाता है कि भाई आप इसके बेसिस पे डिसाइड कीजिए कि यूजर स्टोरी क्या है। तो एक बंदा बोल रहा है, एक पर्सन बोल रहा है कि हाई है, एक पर्सन बोल रहा है मीडियम, एक पर्सन बोल रहा है कि लो है कॉम्प्लेक्सिटी इसकी डेवलप करने की। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डेवलप करने की डिफाइन हो रही है वो उनके ऊपर फिर डिस्कशन किया जाता है कि भाई आप कैसे डिफाइन कर रहे हो लो और हाई। कोई कहता है कि मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को डीबी की नॉलेज नहीं है और ये डीबी में करना है तो मेरे को अगर ये काम मिलेगा तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि शायद इसमें कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू सारा काम हो जाएगा इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, इसमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपस में डिस्कशन किया जाता है, उसके बाद एक फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड की जाती है, तो ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको अगर प्लेन चलाने को बोला जाए, ठीक है, और ये हाई मीडियम लो कॉम्प्लेक्सिटी को मैं नहीं डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे इन नंबर के बेसिस पे उस कॉम्प्लेक्सिटी को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको प्लेन चलाना है तो आपको क्या कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बहुत सोचते हैं कि भाई प्लेन चलाना तो बहुत टफ है, तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं 100,
पर जो दूसरा पर्सन है उसका वो पायलट हुआ तो उसके लिए हो सकता है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है 40 हो गई, तो परसेप्शन यहाँ डिफरेंट है। एक बंदा सोच रहा है कि भाई मैं पहली बार चलाने जा रहा हूँ, मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, पता नहीं क्या क्या उसमें इतना हैवी होता है और कितने कंप्यूटेशंस होते हैं, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो वो उसने अपने हिसाब से 100 दिया, दूसरे बंदे ने 40 दिया, उसके बाद उन दोनों का डिस्कशन होता है, फिर आपस में म्यूचुअल कंसेशन के बाद में आते हैं कि कैसे कैसे क्या परसेप्शन है, उनको समझा जाता है। अब फिर दूसरी स्टोरी आपके आगे ट्रेन चलाने के लिए, अब जिस बंदे ने प्लेन चलाने की कॉम्प्लेक्सिटी 100 दी है तो वो बाई डिफॉल्ट ही सोच के चलता है ट्रेन चलाना सर उससे ज़्यादा आसान होगा, तो वो 100 से 40 पे आ जाएगा। फिर आ जाती है आपकी साइकिल चलाने की कॉम्प्लेक्सिटी, तो साइकिल चलाने की कॉम्प्लेक्सिटी तो वो और कम दे देगा 20 या 13, लेकिन यही चीज़ को अगर उल्टे तरीके से किया जाता, ठीक है, तो भी हो सकता है कि कुछ अलग ही रिजल्ट आता। लेकिन हर रिजल्ट में आप देखिए हर बंदे का परसेप्शन डिफरेंट है, किसी को कोई चीज़ आसान लग रही है, किसी को कोई चीज़ कठिन लग रही है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि उसने जो भी कॉम्प्लेक्सिटी सेट करी है उसमें आपस में डिस्कशन होना चाहिए उनके बीच में, उसमें डिसाइड होना चाहिए अच्छा हाँ ये कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल का ये चीज़ हो सकती है, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, फिर उसमें ये डिसाइड हो जाए कि हाँ उसको कंप्लीट करने के लिए हर एक एक के नज़रिए को समझना ज़रूरी है कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए। कोई एक्सपर्ट हो सकता है, कोई एकदम से अमेच्योर हो सकता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है वहाँ पर, और उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि हाँ ये इसका क्या एस्टिमेशन होगा। तो यहाँ कंपेरेटिव बेसिस पर एस्टिमेशन होता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी टीम ग्रूम होने लग जाती है ये चीज़ समझने के लिए कि कोई भी यूजर स्टोरी है तो हमारे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इस यूजर स्टोरी की एक्चुअल में क्या कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कई गलतियां हों, ज़्यादातर आप 13, 20, 40 लेके आ रहे हो, धीरे धीरे आपकी मेच्योरिटी आने लग जाएगी तो आपकी एक रेंज सेट हो जाएगी कि ठीक है 3 या 2 का मतलब है वेरी इजी, 5-8 का मतलब है मीडियम, और 13-20 का मतलब है वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब हो सकता है वो दो दो स्प्रिंट में काम कंप्लीट हो सकता है, उसमें ज़्यादा दिन लगते हो कंप्लीट करने में। और यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं नंबर्स ना, इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि ये इतने दिन में आप कंप्लीट करने वाला है, ये खाली रिलेटिविटी कॉम्प्लेक्सिटी की देने के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ ये छोटी यूजर स्टोरी है कि बड़ी यूजर स्टोरी है, उसके बेसिस पे आप कितनी यूजर स्टोरी एक्सेप्ट करना चाहते हैं टास्क कंप्लीशन करने के लिए, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करते करते आपको मैच्योरिटी आने लग जाती है, और कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जैसे एक planetpoker.com साइट है, इसमें अगर आप जाएंगे यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये चलिए गूगल से भी लॉगिन रजिस्टर ले, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको देखिए रूम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, PMDC जैसे मान लीजिए रूम डिफाइन किया, और आपका स्क्रम है, आप स्क्रम बेसिस पे या फिबोनाची बेसिस पे जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, वो वही फिबोनाची वाला ही आता है, और आप इसको क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप स्टोरीज वगैरह को डाल सकते हैं कि भाई मेरी स्टोरी क्या थी, फर्स्ट स्टोरी आपने डाल दी, ठीक है, सेव एंड एंड न्यू, सेकेंड स्टोरी आपने डाल दी यहाँ पे, ठीक है, सेव एंड क्लोज, ऐसे जितनी भी स्टोरी आपको डालनी है वो आप स्टोरी डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आप ये जो इनविटेशन है इसका इनविटेशन आप अपने सारे टीम मेंबर को दे दीजिए, तो सारे टीम मेंबर यहाँ वन बाय वन ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप फर्स्ट स्टोरी को यहाँ नीचे सेलेक्ट करेंगे कि ठीक है मैंने फर्स्ट को सेलेक्ट किया, अभी मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को सेलेक्ट करना है, तो वो लोग की टाइमिंग एक डिफाइन रहेगी या चलती रहेगी, वो कोई 1 सेलेक्ट करेगा, कोई 3 सेलेक्ट करेगा, कोई 5 सेलेक्ट करेगा, ठीक है। और जैसे टाइम कंप्लीट होगा आप ओवर करिएगा, स्क्रम मास्टर उसको ओवर करेगा, और सारे की यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे वहाँ पे, उससे ये पता लग जाएगा अच्छा किसने कौन सी स्टोरी यहाँ पे आप किसने कौन सा नंबर सेलेक्ट किया था, और फिर अगर वो कॉमन नंबर नहीं आता है तो आपस में डिस्कशन होगा, एक कॉमन नंबर उसमें डिसाइड होगा उस स्टोरी के लिए, जब वो स्टोरी डिफाइन हो जाएगी तो उसके बाद सेकंड पे जाएंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको लगता है कि मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जज कर नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन अलग से चाहिए, तो आप क्वेश्चन मार्क को सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि सब लोग आपको हेल्प करेंगे, उसके बाद आप वोट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है मेरे को क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है। जब इन जनरल नया टीम मेंबर होता है उसको ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता, और अगर अपडेट पे गए हैं तो टी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड जो भी आपके होंगे वो टोटल सबकी यूजर स्टोरी यहाँ पे आ जाएगी स्प्रिंट में, और आपको डिफाइंड हो जाएगा कि भाई अगर मैं 10 स्टोरीज करता हूँ सब में, मान लीजिए 5-5 करके यूज स्टोरी या 3-3 करके यूज स्टोरी आई पहली बार में, आपने उस पर काम करना स्टार्ट किया और 2 वीक्स की स्प्रिंट कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपने देखा कि हाँ टोटल नंबर ऑफ जो भी है उसका काउंट आता है वो कितने मैंने कंप्लीट किया था, मान लीजिए अगर आपने 10 स्टोरीज में से 8 कंप्लीट किए और 5 किए हैं वो सबकी टारगेट वहाँ पे, तो 8x5 मतलब 40 वेलोसिटी आपकी हो गई कि आप 40 यूजर स्टोरी कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही जज करते रहिए और ऑन एन एवरेज आप निकाल लीजिए, और अगली बार से हमेशा उतने ही स्टोरीज को लिया जाएगा आपको, ठीक है। तो
इस तरीके से आपका यहाँ पे पोकर प्लानिंग काम करता है, जिसमें आपकी धीरे धीरे नॉलेज होने लग जाती है एस्टिमेशन के बेसिस पे, ठीक है। और आप उसको अपनी स्टोरीज और वेलोसिटी वगैरह में आप ध्यान देंगे, और यही सारी चीज़ें इन जनरल आपको हेल्प करेंगी आपकी कैपेसिटी वेलोसिटी को समझने में। एक ये कैडेंस कैलेंडर है, कैडेंस कैलेंडर ये होता है कि पूरे कैलेंडर में डिफाइंड होगा आपकी स्प्रिंट कब आ रही है, कब उसकी प्लानिंग होनी है, कब उसका रेट्रो होना है, और कोई अगर हॉलीडे है किसी का, वो सारे हॉलीडेज़ वगैरह भी यहाँ पे मेंशन होने चाहिए, ताकि आपने जो वेलोसिटी या कैपेसिटी डिफाइन करी थी अपनी टीम को, उसमें से वो ड्यूरेशन भी कम कर सके, और वो क्लियर ट्रांसपेरेंसी सबको देंगे कि हाँ अच्छा इस बार हमारा कितना एक्चुअल में डिलीवरी होने वाला है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर कभी कम ज़्यादा होती है, तो उसमें एक्चुअल रीज़न भी आपको हॉलीडे के बेसिस पे है या कोई टीम लीव पे है, तो वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका कैडेंस कैलेंडर डिफाइन करता है आपके पूरे प्लान को एक तरीके से, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था पहले कि हर डेली स्क्रम मीटिंग जो होती है उसका एक डेफिनेट टाइम होगा, और 15 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा वो होनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से 10 मिनट से ज़्यादा कभी होनी ही होनी नहीं चाहिए। अगर आप कुछ और डिस्कशन ऐसा करना स्टार्ट करते हैं वो 10 मिनट के ऊपर हो जाती है, तो कभी वो डेली स्क्रम मीटिंग है, उसके लिए आप अलग से मीटिंग सेटअप करिए अपनी। डेली स्क्रम मीटिंग में हमेशा आपको इंपेडिमेंट को हाईलाइट करना है, उसमें डेफिनेट आपको हेल्प लेनी है कि मैं अगर मैं किस तरीके से इंपेडिमेंट को सॉल्व करूँ, मैंने कल क्या किया तो आज मैंने क्या किया, इसके अलावा और कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप वीकली या जो भी आपने एक डिफाइन करेंगे टाइम कि भाई स्प्रिंट प्लानिंग मैं कब करूंगा, उसका डेमो मैं अपने यूजर को कब करूंगा, और रेट्रो कब करनी है, इनका भी टाइम डिसाइड होगा, जो कि आपका कैलेंडर में डिसाइड होना चाहिए, और उसकी इनविटेशन सबको जरूर जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको होता है। एक चीज होती है स्क्रम ऑफ स्क्रम, देखिए कई बार क्या होता है कि आपकी टीम, इन जनरल ये कहा जाता है कि एक जो स्प्रिंट मीटिंग में जो भी टीम काम कर रही है वो एजाइल स्क्रम के बेसिस पे 8 to 9 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं तो 10 हो जाने चाहिए। लेकिन अगर आपके इतना बड़ा प्रोडक्ट है जिसमें 30 to 40 टीम मेंबर्स हैं, तो वहाँ पर डेफिनेट सी बात है कि आपको 4 स्क्रम टीम बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो जब 4 स्क्रम टीम अलग अलग चीज़ों पर काम कर रही है, तो आपस में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन उनका होना चाहिए, तो स्क्रम मास्टर वहाँ पर कम्युनिकेशन करते हैं आपस में एक दूसरे की डिपेंडेंसी को करने के लिए क्लियर। जैसे रिलीज मैनेजर की स्क्रम टीम अलग हो गई, ठीक है, और डेवलपमेंट मैनेजर की टीम अलग हो गई, कुछ ना कुछ ऐसे कुछ ना कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हैं। तो स्क्रम ऑफ स्क्रम मीटिंग का मतलब ये है कि जो भी स्क्रम मास्टर है वो भी आपस में एक ना एक कॉमन टाइम पे मीटिंग करेंगे, एक दूसरे को अपडेट देंगे उस कॉमन प्रोडक्ट के लिए, ताकि सब लोग सिंक में रहें, अगर किसी से कोई डिपेंडेंसी हो तो उन सब चीज़ों को क्लियर कर सकें। तो वो होती है आपकी स्क्रम ऑफ स्क्रम, ठीक है। और एक प्रोडक्ट ओनर मीटिंग भी डिफाइन की जाती है, अगर प्रोडक्ट ओनर से स्पेशली आप अलग से कुछ मीटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो मीटिंग भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इन जनरल कोशिश ये करिए कि रेट्रो में पार्टिसिपेट कर सके प्रोडक्ट ओनर, और स्क्रम मास्टर के साथ एक स्पेशल मीटिंग अगर प्रोडक्ट ओनर की करनी है तो वो पीओ मीटिंग में हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। अब थोड़ा सा बर्न डाउन चार्ट और उस पर आ जाते हैं, जिसमें आपको ये समझ में आएगा। देखिए एस्टिमेशन हमें समझ में आ गया है, तो आप देखिए जब भी आपने कोई स्प्रिंट करी है तो एज अ टीम कितने डेली बेसिस पे आप टास्क कंप्लीट करते चले जा रहे हैं, यूजर स्टोरी कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। तो आपने अगर टोटल नहीं थी, मान लीजिए 10 स्प्रिंट का आपका एस्टिमेशन निकल के आया, तो पोकर प्लानिंग के बेसिस पे 10 पॉइंट्स की यूजर 50 पॉइंट की यूजर स्टोरी, तो डेली बेसिस पे अगर आप 5-5 पॉइंट एज अ टीम कम करते जा रहे हैं, तो मतलब आपका बर्न डाउन चार्ट, मतलब वो चार्ट बन होता चला जा रहा है, आपके टास्क बन होते चले जा रहे हैं, टास्क कंप्लीट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। इन जनरल लास्ट में अगर ये 0 हो जाता है तो मतलब आपने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए हैं, अगर कोई चीज़ रह गई है तो मतलब वो आपको अगले स्प्रिंट में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बर्न डाउन चार्ट डिफाइन करता है, डिसाइड करता है। बर्न डाउन चार्ट इन जनरल विजिबल रहता है, ज़्यादातर लोगों को टीवी डिस्प्ले में दिखाई देता है, जहाँ पर प्रोडक्ट टीम काम कर रही होती है, ताकि अगर प्रोडक्ट ओनर या स्टेक होल्डर या क्लाइंट वहाँ से जा रहा हो तो उसको भी क्लियर पिक्चर रहेगी कि अच्छा सारी चीज़ें ऑन टाइम हो रही हैं, ठीक है। तो डेली बेसिस पे बिना DSM मीटिंग में आए भी उनको विजिबिलिटी हो जाती है बर्न डाउन चार्ट से, ठीक है। रिलीज बर्न डाउन चार्ट है दूसरा, जिसमें क्या होता है कि आपके रिलीज जो प्लान करी गई हैं वो किस बेसिस पे डिसाइड हो रही है। अगर वो उसकी जो रिलीजेस हो रही हैं कितने स्प्रिंट के बाद में हो रही हैं वो ऊपर जाती है, तो मतलब शेड्यूल के बिहाइंड है, नीचे जाती है तो अहेड ऑफ शेड्यूल है। तो ये एक रिलीज का अलग से बर्न डाउन चार्ट बनता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम विजिबिलिटी स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट की हर यूजर को दिखाई जाती है। रिलीज बर्न डाउन चार्ट बहुत ऑप्शनल है, बहुत कम जगह होता है, लेकिन ये भी डिफाइंड होता है, रिलीज मैनेजर इसको लेकर चलता है, ठीक है। बात करते हैं कैपेसिटी और वेलोसिटी की। तो कैपेसिटी, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, कितने स्प्रिंट स्टोरीज को वो कर सकते हैं, धीरे धीरे ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं कि हमारी टीम की कैपेसिटी क्या है। तो जब वो टीम स्मूथ हो जाती है उसके बाद आप टीम की कैपेसिटी को डिफाइन कर लेते हैं, हॉलीडे के बेसिस पे भी आप डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा इस बार की मेरी कैपेसिटी कितनी है काम करने की, और एक्चुअल जो काम निकल के आता है उसके बेसिस पे आप वेलोसिटी देखते हैं कि हाँ हमारी टीम किस रफ्तार से सारे काम को कर रही है, ठीक है। तो कई बार हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा
कम हो जाए वेलोसिटी का, कई बार आपकी केमिस्ट्री से कम कम होगा तो उसके बेसिस पे वेलोसिटी वेरी कर सकती है, ठीक है। तो वेलोसिटी का और टोटल सम क्या होता है, जितनी भी स्टोरीज आपने कंप्लीट करी है उनका जो एस्टिमेशन आपने यूजर स्टोरी का एस्टिमेशन आपने प्रोग्रेस करने में किया था ना, उनका सम होता है, वही चीज़ होती है आपकी वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंट में मान लीजिए इतनी थी, आपके 26 पॉइंट थी, पर एक्चुअल में आपने कंप्लीट की 18 पॉइंट, तो आपकी वेलोसिटी 18 पॉइंट्स की हो गई वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आपका वेलोसिटी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क में रेट्रो। देखिए रेट्रो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आपकी टीम को ये समझ में आता है कि अच्छा मैंने कौन सी ऐसी चीज़ें करी थी जो बहुत अच्छी गई थी इस स्प्रिंट में, और कौन सी चीज़ें इंप्रूव करनी है, कौन सी चीज़ें हमें दोबारा रिपीट नहीं करनी, कौन सा मिस्टेक रिपीट नहीं करने हैं, और हम क्या कमिट कर सकते हैं। उसके अलावा कई एक्शनेबल आइटम्स होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है रेट्रो में, ठीक है। तो जैसे अगर आपको रेट्रो कभी इन जनरल प्रैक्टिकल वे में करना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक ideaboards.com है, अगर आप इसमें जाएंगे इसमें आप अपना खुद का बोर्ड बना सकते हैं जिसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे कितने सेक्शन होंगे। तो मैं यहाँ पर 4 सेक्शन लेता हूँ जिसमें मैंने मान लीजिए उसको जो वेल वाला था, वेल वाले जो व्हाट वेंट वेल है ना, उसको मैं ग्लैड कर देता हूँ डिफाइन, या व्हाट वेंट वेल कंफ्यूजन हो वही कर देता हूँ व्हाट वेंट वेल, ठीक है, व्हाट नॉट वेल, ठीक है, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट एरियाज कर सकते हैं, ठीक है, एक्शन आइटम कर सकते हैं, इस तरीके से आपने डिफाइन कर लिया, ठीक है। नेम दे दीजिए आप PMDC स्प्रिंट 1 जो भी है आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे, और वो डिसाइड ये सेम नाम यहाँ पे भी दे दीजिए आप स्क्रीन, और इस तरीके से आपने एक रेट्रो बोर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखिए जो सारी टीम है उनको आप ये लिंक शेयर कर दिए, वो टीम आएंगी यहाँ पे, और यहाँ पे वो जो भी है कि कंप्लीटेड माय ट्रेनिंग या कंप्लीटेड माय टास्क, ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें लिखते जाएंगे। आप चाहें तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई अपना नाम भी यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, तो उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ हाँ किस बेसिस, इन जनरल नाम लिखना चाहिए, एनोनिमस बेसिस में कभी ये चीज़ें कंप्लीट नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को व्हाट वेंट वेल, इंप्रूवमेंट, नॉट वेल, ये सारी चीज़ें आप उनको 5 से 10 मिनट का टाइम दीजिए, वो सारे लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप उन सब पे डिस्कशन करिए और इसको सीरियसली करिए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल के आते हैं जो आपकी टीम और आपके प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और कोशिश करिए प्रोडक्ट ओनर अगर आ सकता है तो आप उनको जरूर इन्वाइट करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हर स्प्रिंट के बाद होना जरूरी है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए आपकी टीम हमेशा मोटिवेटेड होनी चाहिए, कभी भी उनके ये फीलिंग मत लाइए कि हर चीज़ नॉट वेल गई, कोशिश करिए कि बैलेंस वे में हो, ज़्यादातर चीज़ें वेल में हो, नहीं कर पा रहे तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स को समझना जरूरी है, ठीक है। ये सब डिफाइन करने के बाद इसको एक्सपोर्ट एज एन PDF या एक्सेल कर सकते हैं जो कि आप स्टोर कर सकते हैं अपने रिपोजिटरी में। तो ये होता है आपका रेट्रो। जैसे एज एन एग्जांपल यहाँ पे देखिए व्हाट वेंट वेल में या मार्केटिंग टीम की तरफ से डिफाइन किया गया है कि भाई ग्रेट इनपुट दिए गए थे, ग्रेट कोलैबोरेशन था, प्रोडक्ट डेमो बहुत अच्छा था, हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिले थे, ठीक है। कुछ इश्यूज अगर थे तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या नहीं वेल गया था कि फाइनल रिलीज जो करने वाला था डिलेड हो गया था किसी वजह से, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू ट्राई नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट ट्राई करना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपने लिया, व्हाट पजल्स हैं वहाँ पे, ये चीज़ें आपको डिफाइन कर सकते हैं कि सैंपल डाटा टेस्टिंग मार्ग में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बोर्ड बनाते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एज एन फीडबैक एज एन इंप्रूवमेंट उस चीज़ को लेना चाहते हैं कि क्या चीज़ें वेल गई थी, क्या चीज़ें नहीं गई थी, और हम कैसे मिस्टेक से लर्न करें और कैसे कोई बढ़िया चीज़ करें तो उसको कंटिन्यू करते रहें और अपने प्रोडक्ट में एनहांसमेंट वगैरह और बेटर क्वालिटी के साथ इंप्लीमेंटेशन करते रहें, ठीक है। तो PI प्लानिंग के बारे में मैंने आपको बताया, PI प्लानिंग हर क्वार्टर होना बहुत जरूरी है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर आपके यहाँ पे आएंगे, इनकी बहुत अच्छे से प्लानिंग की जाती है, एक अलग से सेटअप किया जाता है, समझ लीजिए एज एन काइंड ऑफ फेस्टिवल होता है ये, ठीक है, जिसमें सारे लोग एक जगह ही गेट टुगेदर करते हैं और एक प्लानिंग प्रॉपर बनती है कि किस किस टाइम पे हमारा इवन ब्रेकफास्ट लंच डिनर और उसके बीच में क्या क्या ड्यूरेशन में हमें कवर चीज़ें करनी है, क्या क्या हमने अचीव किया था, क्या आने वाले कल में करने वाले हैं, क्या आपका गोल है, ऑब्जेक्टिव है, सारी चीज़ें यहाँ पे सारे टीम मेंबर आपके स्टेक होल्डर सब एक ही जगह पे होते हैं और वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, क्या क्या लर्निंग हमें डिसाइड करनी, क्या क्या हमें लाइसेंसेस लेने, कोई भी चीज़ हो यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप PI प्लानिंग में करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और हर क्वार्टरली होना इसका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसको बहुत अच्छे से सक्सेसफुल बनाना, एज एन फेस्टिव लेना और हर जगह इसको इंपॉर्टेंस दिखाना है इसके, ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंस आप जो भी यहाँ पे जो आप चीज़ें गेन करेंगे, जो भी आप प्लानिंग करेंगे, वही आपके नेक्स्ट 3 मंथ तक आपकी चीज़ें एज एन स्टोरी कंप्लीट होंगी और एज एन प्रोडक्ट वो रिलीज होगा प्रोडक्शन में, ठीक है। तो इन जनरल आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, फिर भी आप
समझ सकते हैं कि जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह अगर आपको करना है तो पोर्टफोलियो का अलग से आप कैनवेन बना सकते हैं, प्रोग्राम टीम अपना खुद का भी कैनवेन बना सकती है, वो फीचर्स और पीआई प्लानिंग से इंपॉर्टेंट लेती हैं फीचर्स वगैरह, और फाइनली एक आपकी डिलीवरी टीम होगी जो आपका स्क्रम फॉलो कर सकती है, कैनवेन फॉलो कर सकती है और इंक्रीमेंट बेसिस पे आपके प्रोग्राम्स को डिलीवर कर सकती है। ठीक है, तो स्क्रम आप समझ सकते हैं एक तरीके से ये सारे आपकी क्वालिटीज़ वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए, उनके फोकस देने के लिए है। ठीक है, और सारे मेंबर्स इसमें प्रोजेक्ट में डिफाइन करते हैं, मोटिवेशन को ध्यान रखा जाता है, और जो कैनवेन होता है वो आपको विजिबिलिटी देता है आपके टास्क की कि कौन सा टास्क आपको कंप्लीट हो रहा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके, स्क्रम मैन करके ही आज के ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर चीज़ें अचीव की जाती हैं। और आई होप कि आपके लिए सेशन काफ़ी हेल्पफुल हुआ हो, फ्रूटफुल हुआ हो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हो कॉन्सेप्ट। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, यू कैन ऑलवेज मेल मी एंड आई वुड लव टू आंसर दैट। थैंक यू सो मच।